यार आपको पता है जब पहली बार अर्थ पर डायमंड्स पाए गए थे तो ऐसा अज्यूम किया गया था कि ये बारिश की तरह आसमान से टपके हैं। बट अब जैसे जैसे साइंस इवॉल्व हुआ तब जाके हमें पता चला कि ये तो अर्थ के सरफेस के काफ़ी अंदर इंटेंस हीट और प्रेशर वाली कंडीशंस में जब कार्बन एटम्स आपस में बॉन्ड करते हैं तब जाके बनते हैं। बट अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारे यूनिवर्स में कुछ प्लैनेट्स जैसे कि नेपट्यून और यूरेनस पर एक्चुअली डायमंड्स की बारिश होती है, तो असल में नेपट्यून पर जो हीलियम और हाइड्रोजन का एटमॉस्फेयर है उसके नीचे काफ़ी मोटी आइस की लेयर है जिसमें पानी के अलावा अमोनिया और मीथेन भी है। साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट के हिसाब से ग्रेविटी इस आइस की लेयर को कंप्रेस करती है जिसकी वजह से वहाँ पर डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है। अब प्लैनेट की इंटरनल हीट की वजह से वहाँ पर टेम्परेचर ऑलरेडी काफ़ी हाई रहता है और ये आइस एक हॉट डेंस फ्लूइड में बदल जाता है। अब इतने हाई प्रेशर और इतने हाई टेम्परेचर में मीथेन के कार्बन एटम्स वहाँ से सेपरेट होकर अपने बॉन्ड बनाने लगते हैं और एक डायमंड जैसा स्ट्रक्चर ले लेते हैं, इवेंचुअली कॉजिंग अ डायमंड रे।